हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइस, लेके आ गया हूं मैं इंडियन नेवी एमआर एग्जाम जो 20 सितंबर को हुआ था पिछला एग्जाम, उसमें 50 प्लस फुल फॉर्म्स और जीके के जो क्वेश्चंस थे वो जितने भी शिफ्ट्स हुए थे उसमें मिला करके जो भी क्वेश्चंस मेरे पास आए थे और जो बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूं और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे, ये मेरी गारंटी है। साथ ही साथ अगर आप लोगों का एग्जाम शुरू हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जहां पे भी वीडियो दिखे वहां पे अपने क्वेश्चंस बता सकते हो और इससे मैं आप लोगों को एनालाइज करके सबसे पहले वीडियोस दे दूंगा डेली बेसिस पे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और इंस्टा आईडी आपकी स्क्रीन पर है। नंबर वन है, असम की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ असम? तो असम की राजधानी है दिसपुर, दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम, ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला बैंक कौन सा है? विच इज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया? तो अलाहाबाद बैंक पहला बैंक है। अब मुझे नहीं पता है कि ऑप्शंस क्या थे, ठीक है, लेकिन अलाहाबाद बैंक जो है 1865 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भारत का पहला बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, यानी कि संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सूडान की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सूडान? तो सूडान की जो राजधानी है वो खरतोम है, खरतोम इज दी कैपिटल ऑफ सूडान। तो दोस्तों, ये जो सूडान की राजधानी है ये सवाल मैंने आप लोगों के लिए नहीं करवाया था, बाकी जो ये तीनों सवाल है, संतोष ट्रॉफी और ये भारत का पहला बैंक और साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो असम की राजधानी, ये तीनों मैंने करवाया था, ये बताते जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आया था कि पंचशील समझौता कब हुआ? वेन डिड पंचशील एग्रीमेंट टेक प्लेस इन? तो ये 1954 में हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील समझौता। ठीक है, यानी कि पंचशील एग्रीमेंट टेक प्लेस इन 1954 बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये भारत और चाइना के बीच में हुआ था और ये सवाल अभी एक दो दिन पहले ही मैंने प्रैक्टिस सेट में करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रथ यात्रा कहाँ निकाली जाती है? वेयर इज रथ यात्रा स्टार्टेड फ्रॉम? तो ये पूरी उड़ीसा में निकाली जाती है रथ यात्रा, जो कि भगवान जगन्नाथ को समर्पित होती है, उन्हीं की रथ यात्रा निकाली जाती है। कहाँ पे? पुरी में, उड़ीसा में, पुरी जो है वहां पे। ठीक है, उड़ीसा के अभी वर्तमान में सीएम जो है वो नवीन पटनायक हैं, जो कि बीजेडी से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट सवाल था कि पहला केबल तार किस राज्य में बिछाया गया? इन विच स्टेट इज द वायर केबल लेड? तो ये कोलकाता में बिछाया गया था पहला केबल तार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष बोला जाता है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से कुछ और चीजें हैं कि 31 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है, जिसे कि भारत के एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, एकता के सूत्रधार के रूप में इन्हें माना जाता है। इनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत में बनी हुई है गुजरात में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई 182 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि महेश भूपति किस खेल से संबंधित है? महेश भूपति इज रिलेटेड टू विच गेम? तो ये टेनिस से संबंधित है, टेनिस के खिलाड़ी हैं महेश भूपति भारत के। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आया था, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? विच कंट्री हैज द मोस्ट बॉर्डर लाइंस? तो ये चाइना है, चाइना की जो सीमाएं हैं देश की, ये 14 कंट्रीज से, 14 देशों से लगती हैं। चाइना मोस्ट कंट्रीज से इसकी सीमाएं बॉर्डर्स लगती हैं, उसके बाद 10 है ब्राजील की, यानी ब्राजील की जो सीमाएं हैं वो 10 देशों से मिलती हैं, लगती हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक नंबर पे है चाइना। ठीक है, चाइना इज द कंट्री दैट हैज द मोस्ट बॉर्डर्स लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है, हैजा के टीका की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द कॉलेरा वैकाइन? तो ये रॉबर्ट कोच ने हैजा के टीका की खोज की थी, यानी कॉलेरा जो है इसके टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ठीक है, और आईटीआई का हो जाता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये हो जाता है फुल फॉर्म। नेक्स्ट सवाल आया था, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो एडम स्मिथ को
अर्थशास्त्र का पिता बोला जाता है? ये सवाल भी मैंने आप लोगों को करवाया है, यानी कि एडम स्मिथ इज कॉल्ड दी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट सवाल आया था, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हु वॉज दी फर्स्ट वीमेन लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया? मीरा कुमार वॉज दी फर्स्ट वीमेन लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया। मीरा कुमार पहली जो थी वो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, उनके बाद बनी सुमित्रा महाजन, वो दूसरी थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विच इज दी लीस्ट रेनी प्लेस इन इंडिया? तो वो है लेह। लेह जो है ये सबसे कम वाला है, और चेरापूंजी जो है ये सबसे अधिक वर्षा का स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वेन वॉज दी कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड इन? तो कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, उसकी स्थापना हुई थी 1885 में, और ये एक राजनीतिक पार्टी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आया था इसरो, इसरो का फुल फॉर्म कल ही मैंने बोला था कि आप याद कर लेना, आपके एग्जाम में आ सकता है, और मे बी आज मैं बोल रहा हूँ कल भी आपके एग्जाम में आ सकता है, याद कर लेना, होता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आया था, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद किया जाता है? ये सवाल भी मैंने करवाया है आप लोगों को, तो होता है द ओलंपिक्स गेम्स हेल्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? तो ये 4 सालों पे इसका आयोजन होता है, यानी कि ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों के बाद किया जाता है। नेक्स्ट आया था, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? वेन डिड मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश्ड इन? तो ये 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, यानी कि मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश्ड इन 30th of December 1906। ठीक है, यानी कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल आया था, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा? और ये सवाल मैंने कल ही करवाया, कल या परसों की जो प्रैक्टिस सेट थी उसमें ही करवाया था कि प्रमोद सावंत जो हैं ये गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं, और ये मैं बोल रहा हूँ ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सवाल नहीं आया है, इसलिए तो आप जाकर के कल की जो प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो है वो देख सकते हो, उसमें मैंने करवाया है 17 या फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? ठीक है, प्रमोद सावंत हैं। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? रदरफोर्ड डिस्कवर्ड व्हाट? तो इन्होंने एटम की खोज की, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दी एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि खो खो खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन वन टीम ऑफ खो खो गेम? तो 12 होती है खिलाड़ियों की संख्या, लेकिन ऑन फील्ड अगर बात की जाए तो 9 ही होती है, लेकिन 12 होती है खिलाड़ियों की संख्या खो खो के एक टीम में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शतरंज की शुरुआत किस देश में हुई? चेस वॉज फंड इन विच कंट्री? तो ये हो जाता है इंडिया, यानी कि चेस जो है वो इंडिया, भारत में इसकी शुरुआत हुई, भारत में ही इसकी खोज हुई, भारत से ही इस गेम की स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट सवाल आया था, रन्स एंड रूनस के लेखक कौन है? हु वॉज द राइटर ऑफ रन्स एंड रूनस? ये सवाल भी मैंने आप लोगों को करवा रखा है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर जो है इन्होंने ही रन्स एंड रूनस अपनी आत्मकथा लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, गैट, गैट का फुल फॉर्म आया था, तो ये मैंने सवाल नहीं करवाया है आप लोगों को, लेकिन ये आ गया था, क्या आया था? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स, ये सवाल गैट का फुल फॉर्म हो जाता है, ये आया हुआ था जो कि मैंने नहीं करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? व्हाट इज द फॉग डांस ऑफ आंध्र प्रदेश? तो ये हो जाता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी इज द फॉग डांस ऑफ आंध्र प्रदेश, ये सवाल मैंने आप लोगों को करवाया था, और अगर आप चाहें तो जाकर के प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आया हुआ था कि 2018 का मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता? हु वन द मैन बुकर अवार्ड ऑफ 2018? अन्ना वंस वन द मैन बुकर अवार्ड ऑफ 2018, यानी कि अन्ना वंस को 2018 का मैन बुकर पुरस्कार मिला था। ये अभी ही अवार्ड्स और सम्मान का जो क्वेश्चन करवा रहा था मैं, उसमें ये सवाल करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH4 कहां से कहां तक जाता है?
तो NH4 जो है ये थाने से चेन्नई तक जाता है, याद रखिएगा कहां से, थाने से चेन्नई तक जाता है NH4, नेशनल हाईवे 4। नेक्स्ट है तिराना किस देश की राजधानी है, तिराना इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, तो ये अल्बानिया की राजधानी है, यानी कि तिराना इज द कैपिटल ऑफ अल्बानिया। नेक्स्ट सवाल था मणिपुर की राजधानी क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर, और मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देव समाज की स्थापना किसने की, हु डिस्कवर्ड द देव सोसाइटी, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने देव समाज की स्थापना की थी, यानी गोपाल कृष्ण गोखले डिस्कवर्ड दी देव सोसाइटी या फिर एस्टैब्लिश दी देव सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था रवि वर्मन किससे संबंधित है, रवि वर्मा इज रिलेटेड विद विच फील्ड, तो ये संबंधित है पेंटिंग से, ये आर्टिस्ट हैं, ये पेंटर हैं, ये इसी से संबंधित है रवि वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था राणा संगा का संबंध किससे है, राणा संगा इज रिलेटेड विद, ये मेवाड़ के राजा थे, किंग ऑफ मेवाड़ इन्हें बोला जाता है राणा संगा को। ठीक है, इनके बारे में ज्यादा तो आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आप कभी गूगल करेंगे तो बहुत बड़े बहादुर थे ये। ठीक है, राणा संगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था टेनिस का महिला एकल खिताब जो विंबलडन होता है 9 बार किसने जीता है, वू विन दी विमेन्स टेनिस सिंगल्स अवार्ड 9 टाइम्स, तो ये हो जाएंगी सेरेना विलियम्स, सेरेना विलियम्स ने जीता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, अगर आपको पता होगा तो थोड़ा कन्फर्म जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। आया था PCCI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है प्री कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, क्या होता है प्री कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ PCCI। नेक्स्ट सवाल आया था अमृता पटेल किस खेल से संबंधित, किससे संबंधित है, अमृता पटेल इज रिलेटेड विद, तो ये बिजनेस से संबंधित है, बिजनेस वीमेन है अमृता पटेल, अगर कोई और भी अमृता पटेल हो तो आप जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्योंकि मुझे ऑप्शंस पता नहीं थे। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, कुचिपुड़ी इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट, तो ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, कुचिपुड़ी इज द फोक डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका हो जाता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, क्या होता है मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप इज द फुल फॉर्म ऑफ MPEG। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आया था मिल्खा सिंह का किरदार किसने निभाया है, हु प्लेड द कैरेक्टर ऑफ मिल्खा सिंह, तो ये फरहान अख्तर ने निभाया है, जो मिल्खा सिंह भाग मिल्खा भाग मूवी आई थी उसमें मिल्खा सिंह का किरदार फरहान अख्तर ने निभाया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लम डॉग किसकी रचना है, हुज क्रिएशन इज स्लम डॉग, तो ये विकास स्वरूप की रचना है, यानी कि स्लम डॉग इज ये क्रिएशन ऑफ विकास स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ललित कला अकेडमी कहाँ स्थित है, ये सवाल भी मैंने करवाया है, और वेयर इज द ललित कला अकेडमी सिचुएटेड, तो ये न्यू दिल्ली में यानी नई दिल्ली में स्थित है ललित कला अकेडमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मलेशिया की मुद्रा क्या है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ मलेशिया, तो मलेशियन रिंगीट जो होती है, मलेशियन रिंगीट ये मलेशिया की मुद्रा होती है, यानी कि मलेशियन रिंगीट इज द करेंसी ऑफ मलेशिया, ये सवाल भी मैंने आप लोगों को करवाया था करेंसी कैपिटल वाले में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आया था कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सियोल, सियोल इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की राजधानी क्या है सियोल है। तरफ से अपना ख्याल रखिए, अच्छे से जाइए, साथ ही साथ मेरी सारी दुआएं आपके साथ हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी ही अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करो, दोनों की आईडी आपकी स्क्रीन पर है और दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो जैसे भी कंफर्टेबल फील हो जाओ और जल्दी से ज्वाइन कर लो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।